तो दोस्तों हमारी कंडीशन हमें बहुत ज्यादा माइलेज कम दे रही है, तो क्यों दे रही है वो मुझे पता नहीं। अभी वो देखेंगे हम कि कार्ब्यूरेटर में कुछ प्रॉब्लम है या और कुछ दूसरा ही है, क्योंकि अभी ये बाइक 20 दिन जगह पे खड़ी थी, 15 से 20 दिन जगह पे खड़ी थी, तो इसके लिए कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती। तो देखेंगे कुछ डस्ट है या फिर कुछ और उसका कचरा चला गया है, वो भी आज अपन देखेंगे। तो पहले जो आप सब्सक्राइब करना, वीडियो में बने रहना, तो लाइक से सब्सक्राइब पहले कर दो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है आपके भाई की वीडियो में। चलिए, और इसी ही वीडियो में हम कार्बोरेटर क्लीनिंग ट्यूनिंग सब कुछ करने वाले, तो वीडियो में बने रहना, शायद से वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखो। चलिए, तो सबसे पहले हम कॉक ऑफ कर लेंगे, पेट्रोल कॉक ऑफ करना है हमें, और फिर राइट साइड का पैनल ओपन करेंगे। सबसे पहले थ्रॉटल केबल जो है इसे ओपन कर लेंगे, तो उसके लिए 12 mm के स्पैनर लगेगा दोनों तरफ। तो अभी हमें स्क्रू को लूज कर लेना है, इतना कि जितना ही हिल सके फ्री। अभी हमें 10 mm के जो बोल्ट से इसे लूज कर लेना है, ओपन करना है, सीधा खोल लेना है। तो आप देख सकते हो धूल मिट्टी जमी हुई है, मैं 2-3 बार क्लीन भी करी थी, पर प्रॉब्लम है लीकेज की, तो अभी हम देखेंगे। तो ये जो पीछे पाइप है, इस पहले हम इसे ओपन कर लेंगे, कार्बोरेटर ओपन करने से पहले इसे निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है पाइप को, और फिर हम कार्बोरेटर को बाहर निकालेंगे आराम से। यहाँ पे जो पेट्रोल पाइप है इसे निकाल लेना है हमें। तो अभी हमें चोक केबल को ओपन कर लेनी है 14 mm के स्पैनर से, इसे आराम से साइड में कर लेंगे। तो अभी जो पाइप इसे निकाल देंगे, जो कपलर है इसे निकाल देंगे, कार्बोरेटर हमारा निकल गया। तो सबसे पहले हम कार्बोरेटर को ऊपर ऊपर से पहले साफ कर लेंगे, जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो क्लीन हो जाएगी, ज्यादा गंद नहीं फैलेगी इसके लिए। तो आप कुछ इस तरह से साइड में न्यूज़पेपर रख दो जिस पे धूल मिट्टी ना हो। तो अभी हम पहले स्क्रू ओपन कर लेंगे, तो अभी हमें जेट को ओपन कर लेना है, दोनों जेट को। तो मेन जेट को पहले ओपन कर लेंगे, तो अभी बारी मिक्सर स्क्रू की। तो इसे लूज करने से पहले आप इसे टाइट कर लेना, काउंट करना इसे कि कितने टर्न टाइट होता है, और उसके बाद इसे ओपन कर लेना। अगर आप बाद में बाइक को चलाते हो और आपकी आपकी बाइक आपको माइलेज नहीं देती है, तो इसके लिए इसे पहले काउंट कर लो और फिर इसे लूज खोल लेना और फिर साफ कर लेना। मैं इसे सीधा ही लूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है। ये वाइट वाइट क्या आ गया है? पेट्रोल जम गया था, समझ में आ गया अभी माइलेज क्यों नहीं दे रही हमारी बाइक। आप देख सकते हो स्क्रीन कितनी वाइट हो गई है। तो ये पेट्रोल सूखने के बाद कुछ इस कलर की स्प्रिंग हो जाती है, आप अंदर भी देख सकते हो वाइट वाइट हो गया है। अब इसके अंदर रबर और वाइसर रहता है, इसे हम बाहर निकालेंगे पहले। देखो रबर वाइसर, कॉपर वाइसर, ये दोनों भी वाइसर रहते हैं, तो इसे संभाल के रखना है हमें कुछ इस तरह से, इसमें इंसर्ट करके रख दो आप। अभी बाकी के पार्ट्स को हम क्लीन करेंगे, सॉरी बाकी के पार्ट्स को क्लीन कर लेंगे सिर्फ इसे छोड़ के, और ये रबर को, जितने भी रबर पार्ट्स, इसे नहीं धोना है हमें, सिर्फ कपड़े साफ कर लेना है, और इसे भी।
अगर है जगह पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये निकल गया है तो आप इसे चेंज कर दो, और पेट्रोल में भिगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इसके अंदर ही लेनी चाहिए, बाहर आ गई तो ये फूल जाएगी। चलिए फिर अभी इसे क्लीन कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले गंदगी दिखा देता हूँ मैं, आप देख सकते हो कितना गंदा ये है, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसे क्लीन करेंगे, इसके अंदर आप धूल मिट्टी जैसे दिख सकते हो, इसे भी क्लीन कर लेंगे। अंदर कुछ नहीं गंदा ज़्यादा, यहाँ पे कुछ गंदा ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ एयर मिक्सचर स्क्रू और ऊपर की तरफ। सो अब इसे क्लीन कर लेते, और यहाँ पर चलिए, तो ये मैं पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, ये पेट्रोल है, आप साफ पेट्रोल यूज़ करना। तो अभी हम इसे साइड में रख देंगे कुछ इस तरह। अब बाकी के पार्ट जो है इसे क्लीन कर लेना है। तो अभी ये जो रबर है इसे हम कपड़े से ही क्लीन करेंगे, क्योंकि पेट्रोल नहीं लगना चाहिए, अगर पेट्रोल लग गया तो फूल जाता है रबर। इसके लिए आप रबर को खींच के इस तरीके से चेक कर लेना, ज़्यादा मत खींचने, तो इसे आप ज़्यादा जोर लगाओगे फट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे खींच के चेक कर लेना कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, अगर फटा हुआ है तो इसे चेंज करना पड़ेगा, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो अभी हम कार्बोरेटर को असेंबल करेंगे। अगर आपको रबर कुछ इस तरीके से रखना है, पहले नीचे इसे ऐसे होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद इस डायरेक्शन से मैच करके आप देख सकते हो, एकदम आराम से इसे नीचे पुश कर लेना है। अभी स्प्रिंग के बारे, स्प्रिंग को लगा लेना है हमें कुछ इस तरीके से, ऊपर से कैप लगा देंगे। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। और एक बार लग जाने के बाद स्क्रू टाइट करने से पहले आप एक बार चेक करो कि आप अगर स्लाइड को नीचे ढकेल रहे हो कुछ इस तरह से, तो ये फिर से ऊपर आ जानी चाहिए। इसे नीचे ढकल दिया तो फिर से ऊपर आ जानी चाहिए, और फिर आप स्क्रू टाइट करना। तो ये जो जेट है इसके अंदर का जो होल है वो एकदम फुल क्लियर विजिबल होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और सेम जो ये होल से इसे भी हमें आराम से दिखना चाहिए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्लियर है, और सेम इसी इसका भी दिखना चाहिए, आप देख सकते हो दिख गया, और ये साइड के भी दिख गया। तो होल सारे एकदम क्लियर है, अगर नहीं होते आपके इसके होल ब्लॉक है तो इसके अंदर कुछ वायर का टुकड़ा या डाल दो, जो कि क्लीन हो सके, बारीक बारीक जो होल से ये क्लीन होने चाहिए। अगर ये फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ब्लॉकेज है तो इसे क्लीन कर लो। तो अब इसे इंस्टॉल करते हैं।
और आपको जेट्स को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। और बाहर मार्केट में मिलते हैं पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये जो फ्लूट वाले, इसके आगे का रबर है वो प्रेस होना चाहिए, और जो पीछे की स्प्रिंग ये वाली, ये भी आप दे सकते हो, अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखो कुछ इस तरह से प्रेस होने चाहिए, और रबर भी, रबर एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये भी अच्छा है वॉल, फ्लूट वॉल बोलते हैं इसे। कुछ इस तरह से आराम से रखते हुए इसे असेंबल कर देंगे, बाद में लेना है हमें पिन को, तो पिन लगा देंगे। अभी ऊपर की कैप लगा देंगे हम, और आप देख सकते हो ये एलन हो जाएगा यहाँ पे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से लग जाएगा। तो अभी हम मिक्सर स्क्रू को लगाएंगे। तो सबसे पहले स्प्रिंग को इंस्टॉल करना है, और इसकी कोई पोजीशन नहीं है, ये सीधा लग जाता है। और फिर हम मेटल वाइसर को या एल्यूमिनियम वाइसर को लगाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर रबर ओरिंग को कुछ इस तरह। आप देख सकते हो पहले मेटल रिंगे, फिर ओरिंगे, और अगर रबर खराब है तो इसे आप चेंज करना, और ये वाला रबर भी, स्क्रू भी अगर खराब होगा तो इसे चेंज कर दो। अभी हम लगाएंगे मिक्सर स्क्रू, और एकदम आराम से लगाना है, जबरदस्ती नहीं करनी हमें। तो अभी हम जो कंपनी की तरफ से जो माइलेज सेट करके आता है, उसी तरीके से मिक्सर स्क्रू जो सेट होके आता है, हम उसी तरीके से आप सेट करने वाले हैं अभी इस टाइम पे। तो अभी फुल टाइट है, आप देख सकते हो मैं टाइट कर रहा हूँ तो टाइट नहीं हो रहा, और इससे ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है हमें। तो ये 1 टन है, ये 360 टन नहीं है, ये हाफ टन है, तो हम इसके लिए से 1 टन बोलते हैं। ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हाफ टन, और 3.5 टन्स। और अगर आपके बाइक स्टॉक है, इसके अंदर कोई बोर नहीं हुआ हुआ, तो आप ये सेटिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी तरफ से माइलेज सेट हो गया था इसी तरीके से। तो अब माइलेज का भी हो गया है हमारा, कार्ब्यूरेटर क्लीन भी हो गया। अब इसे लगाते हैं हम रबर को, कार्बोरेटर लगाने से पहले जो चोक की केबल के नीचे जो छोटा पिस्टन लगा हुआ है, इसे हम क्लीन कर लेंगे। और एक कार्बोरेटर इंस्टॉल करने से पहले हमें जो जगह है इसे क्लीन कर लेना है, जितना भी ऑयली डस्ट दिख रहा है आपको सारा क्लीन कर लेंगे हम। क्लीन होने के बाद कपड़े से पोंछ लेना है। अभी बाइक का तो काम हो गया है, एकदम अच्छे तरीके से बाइक हो गया हमारी ट्विन। अभी इसके ऊपर माइलेज टेस्ट करेंगे हम, मतलब पहले मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा, फिर ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। वैसे तो वीडियो अपलोड करता हूँ नहीं, मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ, फिर समझ लेता हूँ उस चीज को, अगर चीज सही में होती है उसके बाद ही वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं वीडियो बनाया और किया अपलोड, ऐसा नहीं करता भाई मैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक से कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और 1K सब्सक्राइबर जल्दी कर दो मेरा भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।